नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों यहां मैं फिर से एक अच्छी भर्ती लेकर के आया हूं। पदों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है, खराब नहीं है। यहां पदों की संख्या की हम बात करेंगे तो ज़्यादा नहीं कह सकते, फिर भी 5190 पद हैं। ये वो पद हैं जो व्यक्ति सर्विस चाहते हैं बेल्ट बंद, यानी कि कमरबंद सर्विस चाहते हैं, यानी कि डिफेंस में सर्विस चाहते हैं। डिफेंस इन दी सेंस, यहाँ मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ। गृह विभाग के तहत जो सुरक्षा गार्ड लगते हैं, यानी कि होमगार्ड जो लगते हैं, उनकी भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ। भर्ती इसलिए महत्वपूर्ण है, पहले होमगार्ड की जो स्थिति थी वहाँ पे स्केल अच्छा नहीं होता था और ड्यूटी का भी जो साइकिल था वो ठीक नहीं था। अब इसमें ड्यूटी का साइकिल भी ठीक हो गया है, पे स्केल भी काफ़ी अच्छा खासा हो गया है, तो इसलिए ये भर्ती उन लोगों के लिए अच्छी है जो गवर्नमेंट जॉब में किसी तरीके से नहीं जा पाए, लेकिन वो यहाँ एंट्री मार सकते हैं। बात कर रहा हूँ मैं राजस्थान की। चुनाव बाद होगा जो होना है वो एक फैक्ट है, ठीक है ना, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। आचार संहिता चूंकि आड़े आई है, लेकिन सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो चुनाव के बाद 5190 नई भर्ती करेगा होमगार्ड की, जिसमें नियोजन भी किया जाएगा। अब पदों की संख्या की हमने बात की, अब थोड़ा सा इनका डिवाइडेशन देख लेते हैं। यहाँ 1190 वो होमगार्ड हैं जिनकी ड्यूटी रात में लगाई जाती है। रात में भी आपने देखा होगा सुरक्षा प्रहरी के रूप में काफ़ी सारे होमगार्ड की ड्यूटी लगाई जाती है पुलिसकर्मियों के साथ, ताकि वो गश्त कर सकें और जो है आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा पूरा पूरा इनके ऊपर होता है, उसमें ये होमगार्ड भी भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक कि चुनाव कराने में या और भी सरकारी कामकाज होते हैं ऐसे, उनमें भी इनकी काफ़ी हेल्प ली जाती है। इसके अलावा 1000 होमगार्ड ऐसे हैं जो ट्रैफिक पुलिस को हेल्प करते हैं, तो वहाँ भी ये 1000 पद ऐसे होंगे। तो 1190 और 1000 ये पद आपके हो गए यातायात के लिए और आपकी रात्रि सुरक्षा या गश्त के लिए। अब बचे 3000, तो वो जो भी खाली पद है या नियुक्ति है उसके विरुद्ध इनका जो है भर्ती की जाएगी, यानी कि समायोजन होने के बाद में पूरे पूरे चांस इनके बन सकते हैं। लड़ाई पहले से चल रही है, ये भी वो लोग हैं जो संविदा कर्मी हैं, एक तरीके से सरकार इन्हें भी परमानेंट नहीं कर पा रही है, लेकिन पे स्केल वेजेज अच्छे कर दिए गए हैं तो उससे काफ़ी राहत भी होमगार्ड बंधुओं को मिल सकती है। तो इसके लिए शरीर चुस्त और तंदुरुस्त होना चाहिए, ये आपको पता ही है, और जो भी योग्यताएँ और जो भी निर्धारित की गई है उसके लिए जैसे वैकेंसी आएगी वो सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ बता दूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की यूजफुल वैकेंसीज के वीडियो मैं यहां लाता ही रहता हूं, साथ ही लाता हूं मैं आपके लिए विभिन्न सब्जेक्ट के ट्यूटोरियल भी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।